So, good morning everyone. My name is Tanveer Ahmed and today I welcome you all for the today online learning classes. In the previous class we have discussed about the what are the variation of colors occurs in a copper sulfate solution when iron nail is dipped inside there. कहने का मतलब ये हुआ copper sulfate solution में iron nail को जब आपने dip किया था तो उसकी color change हो गई थी, है ना? तो आज हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ. ये भी एक क्या केमिकल चेंज के बारे में बता रही हैं. तो एक्टिविटी 6.6 मैंने देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे 6.7 देखेंगे. तो इसमें एम क्या है आपके, टू ऑब्जर्व दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस ऑन एडिंग बेकिंग सोडा टू वेनेगर. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, वेनेगर में थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ. सबसे पहले टेक 2 मिलीलीटर ऑफ वेनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल हैव ए हेसिंग एंड हेसिंग साउंड सीन ए बबल गैस कम आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. ठीक है, जब आप उसको क्या करोगे, जब यहाँ पे वेनेगर को वेनेगर में थोड़े से डालोगे, इसमें क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप क्या देखोगे उसमें एक हेजी साउंड आपको मिलती है. ठीक है, तो वो हेजी साउंड किन की होती हैं एक्चुअली में, वो क्या करती है रिएक्शंस करके क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं और अदर सब्सटेंस का प्रोडक्शन करती हैं. ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. इन्फरेंस, व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू द वेनेगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ए न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड. When carbon dioxide gas is passes through the lime water turn milky due to the formation of a calcium carbonate, another new substance. This change can be represented as vinegar plus baking soda, which gives carbon dioxide and other substance. ठीक है, तो इस चीज़ को फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में जब ऐड करता हूँ तो ये क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की बनाती है प्लस वाटर का वॉल्यूशन करती हैं. एक और एग्जांपल देख लेते, एक्टिविटी 6.8 में देखता हूँ. टू दिस एक्टिविटी वी विल परफॉर्म इन द लेबोरेटरी, यू जस्ट रिमेंबर इट, यू जस्ट चेक इट आउट केयरफुली. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी 6.8, टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस ऑन एडिंग जिंक टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. प्रोसीजर, टेक 5 ml ऑफ अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले 5 ml क्या लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया. पुट जिंक ग्रेन्यूल्स इन इट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 to 10 मिनट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसके अंदर क्या करो, आपकी ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स आप क्या करो इसमें डिप करो. ठीक है, तो आप क्या देखोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट द ट्यूब कलर ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड अवे. इट हैपेंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए जिंक सल्फेट. यू विल ऑल्सो सी ए ब्राउन डिपॉजिट ऑफ ए कॉपर एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो क्या होगा, इसका कलर जो चेंज हो जाती है ना, और ये फेड कर जाती है कलर, और यहाँ पे देखोगे एक ब्राउन कलर का एक पीपीटी बनती है. ठीक है ना, जिंक सल्फेट का. उसके बाद क्या, इन्फेरेंस, व्हेन ए जिंक ग्रैनुल्स इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिंक सल्फेट ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ऑल्सो कॉपर गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो हुआ क्या, जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक को डालते हो तो जिंक सल्फेट का एक सोल्यूशन बनाता है, मतलब कि एक वो पीपीटी बनाता है और कॉपर सेपरेट हो जाती है. ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ देखते हैं एक्टिविटी 6.5 टू 6.8 में जो भी देखा हमने, तो मुझे उससे व्हाट वी हैव गॉट इन द एक्टिविटी 6.5 एंड 6.8, वन और मोर देन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. सो ऑल दीज रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस. रिकॉल एक्टिविटी 5.4 ऑफ चैप्टर 5 in which you observe neutralization reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. तो आप देखोगे neutralization reaction में क्या होता है, इसमें hydrochloric acid and जो हमने chapter 5 में पढ़ी थी hydrochloric acid and sodium hydroxide. In that reaction sodium chloride and the water two new substances were formed. So it was also a chemical change. तो वहाँ पर भी जो हो रही थी neutralization reaction में, तो वहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वहाँ भी एक केमिकल चेंजेस हो रही थी. इन एडिशन टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ए केमिकल चेंज मे बी अकम्पलिश बाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिक्स चेंजेस. तो सिक्स चेंजेस दे सकते हो आप, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस
When a zinc granule are added to the diluted sulfuric acid, hydrogen gas is evolved. जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ मिक्स करोगे तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और एक गैस निकालती है जिनका नाम है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपका सोडियम नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो आप सोडियम नाइट्राइड बनाती हैं, ऑक्सीजन बनाती हैं। थर्ड का एग्जांपल आपके क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट करोगे तो आप कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगी, ठीक है ना। चेंज ऑफ कलर का एग्जांपल सेकंड में देख सकते हो आप, लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसकी रेडिश ब्राउन कलर होती है, लेड ऑक्साइड है, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन देती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।